थालापति विजय तमिल फिल्म इंडस्ट्री में राज करने वाले नाम है और जिनको बॉक्स ऑफिस पर किंग भी माना जाता है। जहाँ पर विजय ने लास्ट एक के बाद एक फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर देता जारी है। जहाँ पर उनका सरकार और मार्शल से बड़ा था बिगिल और बिगिल के बाद काफी बड़ा फिल्म है मस्टर। दोस्तों आज मैं थालापति विजय का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एनालिसिस के बारे में बात करने वाली हूँ और अगर आप हो विजय का फैन तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना और एक लाइक भी देना। और एक बात दोस्तों, मैं 1992 से 2000 तक फिल्मों को शॉर्ट करके बाद में डिटेल्स में बताने वाली हूँ। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर वन नालाया थिरुप्पु, ये 1992 का फिल्म है और फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर टू सिंधूर पंडी, ये 1993 का एक्शन रोमांटिक फिल्म है और फिल्म एवरेज निकला। और इसके बाद 1994 और 1995 का दोनों फिल्में रसीगर देवा और राजावेन तीनों फिल्में फ्लॉप निकला। नंबर सिक्स विष्णु, ये 1995 का एक्शन कॉमेडी फिल्म है और फिल्म सिमी हिट साइब थी। और इसके बाद चंद्रलेखा कोयम्बटूर मप्पी लाइफ दोनों फिल्में फ्लॉप निकला। नंबर नाइन पूवे उनाक्कागा, ये 1996 का रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और फिल्म हिट साबित थी। और इसके बाद वसंता वसाल फ्लॉप निकला। नंबर 11 लव टुडे, ये 1997 का रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इसमें एक कॉलेज गोइंग लड़का गणेश और संध्या के बीच में प्यार कहानी को दिखाई है और फिल्म हिट साबित थी। नंबर 12 वंस मोर, ये 1997 का फिल्म है और फिल्म एवरेज निकला। नंबर 13 नीरू कुनेर, ये 1997 का एक्शन कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है और फिल्म हिट साबित थी। नंबर 14 कादालुकु मारियाधाई, ये 1997 का म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म है और फिल्म सुपर हिट साबित थी। और इसके बाद नीनाइथेन वंध्याई प्रिया मुदम और नीला वेवा तीनों फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 18 थुल्लाधा मानामुम थुल्लुम, ये 1999 का रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और फिल्म थालापति विजय का कैरियर में फर्स्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म रहा और इस फिल्म के लिए थालापति विजय ने एमजीआर ऑनररी अवार्ड जीता है। और इसके बाद इंद्रेंद्रम कदल और नेंजी नीले दोनों फिल्में फ्लॉप निकला। नंबर 21 मिनसारा कन्ना, ये 1999 का रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और फिल्म एवरेज निकला। नंबर 22 कनुकुल नीलावु, ये 2000 का फिल्म है और फिल्म एवरेज निकला। नंबर 23 खुशी, ये 2000 का रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और इसमें थालापति विजय जयदेका की कॉलेज वाला लव स्टोरी को दिखाई है और फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित थी। नंबर 24 प्रिया मनावाले, ये 2000 का रोमांटिक एक्शन फिल्म है और फिल्म सुपर हिट साबित थी। नंबर 25 फ्रेंड्स, ये 2001 का कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इसमें थालापति विजय सूर्या लीड रोल में नजर आई है और ये फिल्म 175 डेज तक थिएटर में सक्सेसफुली रन किया था और फिल्म सुपर हिट साबित थी। नंबर 26 बद्री, ये 2001 का स्पोर्ट्स रोमांटिक फिल्म है और ये फिल्म सुपर हिट साबित थी। नंबर 27 शाहजहान, ये 2001 का रोमांटिक फिल्म है और फिल्म हिट साबित थी। नंबर 28 थमीजान, ये 2002 का एक्शन ड्रामा फिल्म है और फिल्म एवरेज निकला। नंबर 29 यूथ, ये 2002 का एक्शन रोमांटिक फिल्म है और फिल्म हिट साबित थी। और इसके बाद 2002 का फिल्म भगवती फ्लॉप, 2003 का दो फिल्में वसीगड़ा और पुधिया गीथाई दोनों फिल्में एवरेज निकला। नंबर 33 थिरुमालाई, ये 2003 का रोमांटिक एक्शन फिल्म है और इसमें थालापति विजय और जयतिका दोनों को लीड रोल में नजर आई है और इसमें एक मैकेनिक थिरुमालाई और लोकल थग्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को दिखाई है और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित थी। और इसके बाद उदाया फिल्म आई जो फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 35 गिल्ली, ये 2004 का एक्शन रोमांटिक फिल्म है और इसमें थालापति विजय को एक कबड्डी प्लेयर के रोल में नजर आई है और ये फिल्म 2004 का हाईएस्ट ग्रॉसिंग तमिल फिल्म रहा और ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित थी। नंबर 36 माधुर्य, ये 2004 का फिल्म है, फिल्म एवरेज निकला। नंबर 37 थिरुपचि, ये 2005 का एक्शन फिल्म है और इसमें थालापति विजय को एक लोकल थग्स के बीच में फाइटिंग को दिखाई है और फिल्म 200 डेज तक सक्सेसफुली रन किया था और फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित थी। नंबर 38 सचिन, ये 2005 का रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और फिल्म हिट साबित थी। नंबर 39 शिवाकाशी, ये 2005 का एक्शन फिल्म है और इसमें थालापति विजय को मुथप्पा के रोल में नजर आई है और फिल्म सुपर हिट साबित थी। नंबर 40 आथी, ये 2006 का फिल्म है और फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 41 पुकीरी, ये 2007 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें थालापति विजय को एक पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आई है जिन्होंने अंडरवर्ल्ड की दुनिया को कैसे साफ करते हैं उसकी स्टोरी को दिखाई है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित थी। और इसके बाद 2007 का फिल्म आजागिया तमिल मागन बिलो एवरेज, 2008 का फिल्म कुरुवी एवरेज और 2009 का फिल्म विल्लू फ्लॉप निकला। नंबर 45 वेट्टई करण, ये 2009 का एक्शन फिल्म
और इसमें थलपति विजय को एक पुलिस ऑफिसर रवि के रोल में नजर आई है और फिल्म हिट साबित थी। और इसके बाद सूरा 2010 का सुपर हीरो फिल्म रहा जो फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 47 कावालन, ये 2011 का एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसमें मीरा कैसे अपने बॉडीगार्ड से सीक्रेटली प्यार करते उसकी स्टोरी को दिखाई है और फिल्म हिट साबित थी। नंबर 48 वेला युद्धम, ये 2011 का सुपर हीरो फिल्म है और इसमें थलपति विजय को एक सुपर हीरो एक्टर में नजर आई है और फिल्म सुपर हिट साबित थी। नंबर 49 ननबान, ये 2012 का कमिंग ऑफ एज कॉमेडी फिल्म है और इसमें थलपति विजय को एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के रोल में नजर आई है और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित थी। नंबर 50 तुपक्की, ये 2012 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें थलपति विजय को एक आर्मी ऑफिसर के रोल में नजर आई है और इसमें का काफी एक्शन वाला एक्टर भी दिखाई गई है। जहाँ पर इसका बजट था 65 करोड़, बॉक्स ऑफिस का रन था 188 करोड़ और ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित थी। नंबर 51 थलाइवा, ये 2013 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है और फिल्म एवरेज निकला। नंबर 52 जिल्ला, ये 2014 का गैंगस्टर एक्शन फिल्म है और इसमें कॉमेडी एक्टर मोहनलाल और विजय लीड रोल में नजर आई है और फिल्म सुपर हिट साबित थी। नंबर 53 कत्थी, ये 2014 का एक्शन फिल्म है और इसमें थलपति विजय को डबल रोल में नजर आई है। जहाँ पर इसका बजट था 70 करोड़, बॉक्स ऑफिस का रन था 150 करोड़ और फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित थी। नंबर 54 पुली, 2015 का फैंटेसी फिल्म है और फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 55 थेरी, ये 2016 का एक्शन फिल्म है और इसमें थलपति विजय समंता लीड रोल में नजर आई है और इसमें थलपति ने कैसे अपनी बेटी को लोकल गैंग के हाथों से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हुए उसकी स्टोरी को दिखाई है और फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित थी। नंबर 56 बैरावा, ये 2017 का मसाला फिल्म है और फिल्म एवरेज निकला। नंबर 57 मार्शल, ये 2017 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें थलपति विजय को काफी अलग एक्शन एक्टर में नजर आई है और इसमें एक इंडियन डॉक्टर यूरोप से वापस आते हैं और बाद में वो कैसे सोसाइटी का इनजस्टिस के अगेंस्ट पे फाइटिंग करते हैं उसकी स्टोरी को दिखाई है और फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित थी। नंबर 58 सरकार, ये 2018 का पॉलिटिकल एक्शन फिल्म है और इसमें कॉर्पोरेट मॉन्स्टर यूएसए से इंडिया वापस आते हैं और बाद में कैसे कहानी में ट्विस्ट आते हैं वह इसमें दिखाई है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित थी। नंबर 59 बिगिल, ये 2019 का स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म है और इसमें थलपति विजय नयनतारा लीड रोल में नजर आई है और इसमें मिखाइल वुमेन्स फुटबॉल टीम का कोच है और उन्होंने कैसे टीम के सक्सेस के लिए स्ट्रगल करते हैं उसकी स्टोरी को दिखाई है। थलपति विजय के कैरियर में मोस्ट हाइप वाला फिल्म रहा जब पर इसका बजट था 160 करोड़, बॉक्स ऑफिस का रन रहा 320 करोड़ और फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित थी। नंबर 60 मास्टर, यह अभी रिसेंट टाइम पर वन ऑफ द मोस्ट हाइप और सबसे क्रेज वाला फिल्म है और इसमें थलपति विजय और विजय सेतुपति को काफी पावरफुल एक्शन वाला एक्टर में नजर आ रही है और जहाँ पर इसमें कॉलेज बैकड्रॉप के साथ गैंगस्टर फ्लिक को नजर आ रही है और जो थलपति विजय के कैरियर में फर्स्ट पैन इंडियन फिल्म रहा और जहाँ पर अभी मास्टर का आईएमडीबी रेटिंग मिला है 9.7 आउट ऑफ 10 और जहाँ पर मास्टर का बजट है 180 करोड़। तो आपको क्या लगता है कि मास्टर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन करने वाले है और साथ ही साथ अगर आप मास्टर फिल्म देख चुके हो तो आपको कैसा लगा और साथ ही साथ क्या मास्टर फिल्म ब्लॉकबस्टर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होने वाले है वो भी कमेंट करके बताना। नंबर 61 थलपति 65, यहाँ पर थलपति विजय ने यंग फिल्म मेकर नेल्सन दिलीप कुमार से अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट 65 को लॉन्च करने वाले है और ये फिल्म सन पिक्चर्स का प्रोडक्शन हाउस के अंडर है और रिपोर्ट्स के मुताबिक थलपति 65 का शूटिंग मार्च 2021 से ही शुरू हो जाएगा और इसमें थलपति विजय को काफी अलग एक्शन एक्टर में नजर आने वाले है। तो ये रहा थलपति विजय का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एनालिसिस के बारे में और इस फिल्मों से कौन सी फिल्म आपका सबसे फेवरेट है कमेंट करके बताना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और बॉलीवुड और साउथ इंडियन अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।